इसमें एरर बता रहे हैं, इसमें एरर आ रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू कि आप हमारे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमारी सारी टीम के जो जितने भी एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो आज का जो लेक्चर है, फिर से वन लाइनर क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, तो हम वन लाइनर्स के साथ आंसर्स तो हैं, लेकिन उसके साथ हम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे। वेरी ओनली 25 क्वेश्चंस, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और जैसे जैसे आप हमें फीडबैक दे रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियोज़ को जितनी जल्दी हो सकता है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट कि जितने भी यहाँ पे जो पहाड़ों में रह रहे हैं और इतनी ठंड वाले इलाकों में रह रहे हैं, तो उन तक भी ये कंटेंट पहुँचा जाए, ताकि वो भी तैयारी कर सकें और उनके भी वो भी कुछ बन सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो कौन कौन है, सबसे पहले तो कीर्ति शर्मा, अखिलेश शर्मा, अंकित ठाकुर, कुसुम कटोच, अरुण भारद्वाज, सोनिका सोंदी, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन और हैप्पी मकर संक्रांति। तो आपके लिए आज का ये नया साल, आपके लिए एलाइड का, जो एलाइड का पेपर दे रहे हैं और जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उनका क्रैक हो जाए और अच्छे से मार्क्स लेकर कुछ ना कुछ, जिन्होंने जो सोचा है अपना एम, वो कुछ बन के दिखाएं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपना लेक्चर, हमारा है हिमाचल जी के, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, हमारे भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और पुराना स्रोत कौन सा है। आंसर आपके पास दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद आपने मुझे बताना है सबसे पुराना वेद कौन सा है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपने मुझे बताना है सबसे पुराना वेद कौन सा है, या हमारे कितने वेद हैं। तो हमारे सबसे पहला तो ओल्डेस्ट सोर कौन सा है हमारा, वेदास। कितने वेद्स हैं, फोर। कितने वेद्स हैं, फोर, जिसमें सबसे पुराना जो है वो है ऋग्वेद, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं नॉलेज ऑफ हाइम्स, नॉलेज ऑफ हाइम्स, ठीक है। दूसरा है सामवेद, सामवेद, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज ऑफ म्यूजिक या चैंट्स, ठीक है। तीसरा है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज ऑफ सेक्रीफाइस, और एक बचा अथर्ववेद। तो यहां लिख देती हूँ अथर्ववेद, अथर्ववेदा, जिसका है आपका बुक ऑफ या नॉलेज ऑफ स्पेल, नॉलेज ऑफ स्पेल, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और पार्ट्स कितने हैं हमारे वेदास के, वो भी चार हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपका है संहितास, देन आपका आता है ब्रह्मनास, फिर उपनिषद और अरण्यकास, ठीक है। तो ये चार हैं, संहितास, देन आपका अरण्यकास, उपनिषद और ब्रह्मनास, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये वेदास के हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट क्या है हमारा वेद, जिसमें सबसे, कई बार आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना ओल्डेस्ट वेद जो है वो कौन सा है, ऋग्वेद। अब आता है 42 किलोमीटर पोंग लेक ओवर ब्यास रिवर इज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तीन क्वेश्चंस देखो, सबसे पहले पोंग लेक जो है यानी पोंग डैम, ठीक है, ये किस रिवर पे है, ब्यास रिवर पे है। दो क्वेश्चंस, किस डिस्ट्रिक्ट पे पड़ती है, कांगड़ा, ठीक है। बेसिकली तो इसको हम बोलते हैं तलवाड़ा के आसपास, तलवाड़ा में, ठीक है।
उसके बाद ये तीन क्वेश्चंस आपके निकले। कई बार आपसे पूछ लेंगे कि पोंग डैम किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है आपका कांगड़ा। दूसरा आएगा कि पोंग बांध जो है वो किस नदी पे बना है, वो आ गया आपका ब्यास। एक और डैम बना है आर्टिफिशियल, वो है पंडो। वो कौन सा है? पंडो। ये कहाँ पे है? ये मंडी में। ठीक है, तो ये भी याद रखना, स्मॉलेस्ट इज पंडो डैम और लार्जेस्ट डैम जो है, अगर हम लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो वो कौन सी है आपकी? गोविंद सागर लेक या डैम कहाँ पे है? बिलासपुर। ये किस नदी पे है? ये है सतलुज। ठीक है, अब इसको किसी आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पोंग बांध का नाम दूसरा क्या है? महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है? जहाँ पे हम पानी को स्टोर करके रखते हैं और उस पानी से हम कई चीज़ों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको नाम जो है रिजर्वायर दिया हुआ है। अब आपका महाराणा प्रताप सागर कब बना था? 1975 में। ठीक है, ये एक वेटलैंड सोर्स भी है, वेटलैंड भी है। और मैंने आपको बताया था वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, जिसमें आधी लैंड आधा वाटर, और जोन बिटवीन लैंड एंड वाटर इज नोन एज वेटलैंड। इसको रामसार कन्वेंशन भी बोला जाता है। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फेब को। रामसार कन्वेंशन कब हुई थी? 2 फेब 1971। कहाँ पे? ईरान में। किस सागर के पास? कैस्पियन सी के पास। तो ये आपको याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, रामसार कन्वेंशन क्या है। और इसको पोंग बांध की एक और खास बात है, ये बर्ड सेंचुरी भी है। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स आते हैं समर और विंटर, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है। कई बार आपसे ऐसे ही पूछ लेंगे महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो कांगड़ा। तो ये हमने किया हुआ, ये हमने पढ़ा भी था डिस्ट्रिक्ट वाइज। नेक्स्ट आता है कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट, जो आपका कामाख्या देवी, इसको कामख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ठीक है, मंडी के किस जगह पे? करसोग। मंडी के किस जगह पे पड़ता है ये? करसोग। ठीक है, तो उसके बाद आपको इसके बारे में क्या याद रखना है जो मेजर है कामाख्या का? देखो, अगर देखा जाए तो कामाख्या देवी टेम्पल एक शक्तिपीठ भी है। ठीक है, सबसे, जिसको आप बोल सकते हो, ओल्डेस्ट शक्तिपीठ है कामाख्या देवी का। लेकिन ये किसी और स्टेट में, हिमाचल में भी है, दो जगह है। कामाख्या देवी अगर मंडी की बात कर रहे हैं तो करसोग में है, वैसे ये कहीं और किसी और स्टेट पे है। अब कामाख्या देवी का क्या है? ये एक गॉडेस दुर्गा है। किसका टेम्पल है, किसको डेडिकेटेड है? गॉडेस दुर्गा। ठीक है, जिसने किसको मारा था? महिषासुर को, महिषासुर। ठीक है, जो दानव था, जो डेमन था, उसको मार के यहाँ पे कामाख्या देवी का टेम्पल बना हुआ है। नेक्स्ट आता है व्यास गुफा। व्यास गुफा कहाँ पे लोकेटेड है? तो व्यास गुफा जो है वो आपकी कहाँ पे है? बिलासपुर में। देखो, बिलासपुर को ना एक पुराने सेंट एशियन टाइम पे व्यासपुर भी बोलते थे, वो इसी ऋषि के नाम से, ऋषि व्यास के नाम से, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने तपस्या की है। व्यासपुर क्यों बोला गया? क्योंकि ऋषि व्यास के नाम से है और यहाँ पे ऋषि व्यास ने तपस्या की थी। अगर हम बिलासपुर की वैसे बात करें तो इसको किसने डेवलप किया है? दीपचंद ने। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, इसका पुराना नाम क्या था? इसको व्यासपुर भी बोलते हैं, व्यासपुर एशियन टाइम्स में, पुराना टाइम जब सेज टाइम था व्यासपुर, वैसे व्यासपुर किसने किया है? दीपचंद ने किया है। और इसको, ये जो ऋषि व्यास हैं, इन्होंने लिखी है महाभारता, जो हमारा बेसिक एपिक है, एक रामायण और एक महाभारत। महाभारत किसने लिखी है? ऋषि व्यास ने लिखी है। और ऋषि व्यास की गुफा कहाँ पे है? बिलासपुर में।
बिलासपुर में और भी एक चीज़ है, बिलासपुर का नलवाड़ी मेला जो है वो मनाया जाता है। दूसरी चीज़ अगर बिलासपुर की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है मेन, गोविंद सागर झील। आई होप कि आपको ये फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यहाँ तक जो है वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट आता है विच इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन HP। हिमाचल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है आपके, वो है आपका गग्गल, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कांगड़ा। ये बना कब था, ये बना था आपका 20 दिसंबर 1989 में, ठीक है। इसके अलावा और भी दो एयरपोर्ट्स हैं हमारे यहाँ पे, एक है जुब्बरहट्टी, और एक है आपका भुंतर, ठीक है। जुब्बरहट्टी शिमला में पड़ता है, भुंतर जो है वो कुल्लू में पड़ता है, और कांगड़ा एयरपोर्ट जो है, कांगड़ा एयरपोर्ट भी बोलते हैं हम इसको, और गग्गल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, विच इज़ द ओनली ब्रॉड गेज गॉज रेलवे लाइन इन HP। विच इज़ द ओनली ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कौन सी है, तो सबसे पहली चीज़ कि एक ही है ऊना नंगल। कौन सी है, ऊना नंगल, जो 14 किलोमीटर्स पे है, और इसको इनेगोरेट किया था जनेश्वर मिश्रा ने, जनेश्वर मिश्रा, ठीक है। जनेश्वर मिश्रा कब, 11 जनवरी 1991, और ये आज भी स्टिल वर्किंग है, ठीक है। ये कहाँ से चलती है, ऊना, मतलब HP के ऊना डिस्ट्रिक्ट से, और कहाँ तक, पंजाब के नंगल तक, ठीक है। और इसको आज हम ऊना और दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस भी इस रेलवे लाइन पे चलती है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट आता है, व्हेन डिड हिमाचल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर इस्टेब्लिश। जो हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रिलेटेड टू ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो ये है कहाँ, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि HP यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये है पालमपुर में। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी HPU, ये है शिमला में, ठीक है। एक और यूनिवर्सिटी आती है, वो आती है HP, यानी YS परमार फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, जो कि है नोनी में, ठीक है। फॉरेस्ट्री YS परमार भी बोलते हैं इनको। अब आपसे पूछा गया कि पालमपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनी थी, ये बनी थी 1978 में, और ये बनी थी HPU 1970 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको इससे एक रिलेटेड है क्वेश्चन कि हु इज़ द चांसलर ऑफ HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, HP यूनिवर्सिटी या HP नोनी यूनिवर्सिटी, इनके चांसलर कौन है। तो इनके चांसलर जो होते हैं वो होते हैं गवर्नर। गवर्नर इज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हमारे गवर्नर कौन है, मिस्टर बंदारू दत्तात्रेय। किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर वो उनका गवर्नर होता है। तो यहाँ हिमाचल के गवर्नर कौन है, मिस्टर बंदारू दत्तात्रेय। अगर हम बात करें इस पालमपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की, तो वाइस चांसलर कौन है, वो है आपके अशोक कुमार सरयाल, अशोक कुमार सरयाल। और वैसे पहले कौन थे, एच आर कालिया पहले वाइस चांसलर, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज HR कालिया। अभी कौन है, अशोक कुमार सरयाल, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट वो फाउंडेड इन 1972,
जब आपकी स्टेट बन गई थी, 18वां राज्य हिमाचल का बन गया था 1971 में, तो 1972 में स्टेट ट्राइफिकेशन हुई थी, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट से तीन डिस्ट्रिक्ट्स निकाले गए थे, कौन कौन से? जैसे एक तो आपका निकला था कांगड़ा से, दो डिस्ट्रिक्ट्स निकाले थे ऊना और हमीरपुर, ठीक है। और एक जो था शिमला सोलन यानी महासू, तो ये आपके तीन डिस्ट्रिक्ट्स बने थे, सोलन ऊना एंड हमीरपुर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट? एचपी हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन है? मिस्टर एम एच बेग, ठीक है, ये हैं। और अगर आज की बात की जाए तो सी जी आई ऑफ एच पी इज लिंगप्पा नारायण, लिंगप्पा नारायण स्वामी, ठीक है। और हमारे इंडिया के कौन है? एस ए बॉबडे, जो अभी बने हैं, ठीक है। किसको प्रिसीड, कौन थे इससे पहले, कौन थे हमारे सी जी आई ऑफ इंडिया? रंजन गोगाई। ये दोनों जो हैं इन्होंने बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। तो टॉन्स इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? टॉन्स जो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? यमुना। यमुना का नाम कालिंदी, और कहाँ पे मिलती है ये? कालसी में। टॉन्स और यमुना कहाँ पे मिलती है? कालसी में मिलती है। राजबंश से कालसी जो कैपिटल बनाई थी वो किसने बनाई थी? उदित प्रकाश ने। और राजबन किसको ने बनाई थी? राजबन जो थी सिरमौर की कैपिटल, वो बनाई थी शुभांश प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृकुला देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? मृकुला देवी टेम्पल कहाँ पे है? तो ये है आपका लाहौल स्पीति में। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति। और किसने बनाया था? अजय वर्मन ने। ये याद रखना, मृकुला देवी टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है, और किसने बनाया है? अजय वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहिब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ? दादा साहिब फाल्के अवार्ड, दादा साहिब इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। और जो आपके इस बार के दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? मिस्टर अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन को मिला है इस बार का दादा साहिब फाल्के अवार्ड। और ये जो था फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ये जो थे दादा साहिब फाल्के अवार्ड, इन्होंने राजा हरिश्चंद्रा पे मूवी बनाई थी, और ये कब? 1969। तो जो पहले रेसिपिएंट्स थे वो थे देविका रानी, देविका रानी जिनको पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। विनोद खन्ना को पोस्थमसली मरण उपरांत के बाद मिला है आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड। पृथ्वीराज कपूर, ठीक है, 1971 में भी उनको भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट इन एच पी हैज हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है आपकी हमीरपुर। यहाँ पे लिखा है 369 पर्सन पर स्क्वेयर किलोमीटर, यहाँ पे ये नहीं आएगा। आजकल जो है वो है 407, कई बुक्स में दिया है 410, लेकिन बेसिकली ये है 407 स्क्वेयर किलोमीटर, मतलब 407 पर्सन पर स्क्वेयर किलोमीटर, ठीक है। तो ये है हमीरपुर की इस टाइम की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम इसका ग्रोथ डेकेडल देखें तो कितना है ये हमारा? 10.19% हाईएस्ट
हिमाचल की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, वो है हमीरपुर। तो कितना है, 86%। कई बुक्स में 89 है पर बेसिकली इट्स 86%। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हु इज नोन एज पहाड़ी गांधी फ्रॉम देहरा गोपीपुर, मतलब पहाड़ी गांधी किसे बोला गया है? तो वो कौन थे, बाबा कांशीराम। किसने कहा था, किसने दी थी इनको उपाधि, नेहरू ने, यानी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इनको पहाड़ा दा बुलबुल, पहाड़ा दा बुलबुल ताल कॉन्फ्रेंस में किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये दोनों कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। व्हेन हिमाचल डे इज सेलिब्रेटेड, हिमाचल डे कब सेलिब्रेटेड सेलिब्रेट किया जाता है? तो हिमाचल डे अभी भी आने वाला है। ठीक है, तो जो हिमाचल डे है वो एक्चुअली में 15 अप्रैल 1948 में हमारी हिमाचल बनी थी, हिमाचल की एग्जिस्टेंस आई थी, 30 रियासतों को मिलाकर, 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर हमारा हिमाचल बना था। ठीक है, जो आपका 25 जैन 1971 को आपका स्टेटहुड डे है, मतलब इसको राज्यत्व का दर्जा दिया गया था राज्य का। क्यों? क्योंकि 18 दिसंबर 1970 को बिल पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि हिमाचल जो है एक अलग राज्य बनेगा, और 18 आपका 25 जनवरी 1971 में ये भारत का 18वां राज्य बना। किसने इसको अनाउंस किया था, वो किया था लेट मिसेस इंदिरा गांधी ने, कहाँ पे, गिरिजा मैदान, यानी आपका जिसको आज हम क्या बोलते हैं रिज। तो ये सारी चीज़ें, यानी स्टूडेंट्स इसके साथ कंफ्यूज मत करना। हिमाचल डे जो है वो 15 अप्रैल 1948 को मनाया जाता है, स्टेटहुड डे जो है वो हमारा 25 जनवरी जो कि अब आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, टी इज ग्रोन इन विच वैली ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश में किस वैली में जो है वो टी का प्लांटेशन की जाती है, तो वो किस वैली में की जाती है, कांगड़ा, अगर देखा जाए तो बेसिकली पालमपुर। ठीक है, कौन सी टी जो है बहुत फेमस है, ग्रीन गोल्ड। कहा जाता है कि 1848 से टी प्लांटेशन शुरू हुई थी, और चाइनीज प्लांटेशन जो थी कौन सा था, वो कैमेलिया साइनेंसिस, ये प्लांटेशन की गई थी पहले। ठीक है, उसके बाद जब टी की प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी तो इसको कांगड़ा गैजेट में भी मेंशन किया गया, देन टी की प्लांटेशन को फुल ऑन ग्रोथ की गई थी, और कितने हेक्टेयर में आज ये लैंड है टी प्लांटेशन, वो है आपकी 2312 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सनैलिटी, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि पालमपुर यूनिवर्सिटी जो है वो किस नाम से जानी जाती है, चौधरी सरवन कुमार। इसका पालमपुर यूनिवर्सिटी का दूसरा नाम क्या है, चौधरी सरवन कुमार 1978। आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, एचपीयू का वाइस चांसलर कौन है इस टाइम, सिकंदर, मिस्टर सिकंदर सिंह। ठीक है, सिकंदर कुमार, और पहले कौन थे, आर के सिंह, रामकरण सिंह। ठीक है, और इसका जरूर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि चौधरी सरवन कुमार का दूसरी यूनिवर्सिटी क्या है, दूसरा नाम क्या है, पालमपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन एचपी हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लघु उद्योग है, यहाँ पे मीडियम हाई नहीं पूछा गया, सीधा लघु उद्योग पूछा गया, तो वो कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अगर हम बात करें स्मॉल मीडियम लार्ज इंटरप्राइजेस यानी इंडस्ट्रीज की, तब बात आएगी, तो वो सारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे पड़ती हैं, सोलन में, लेकिन सबसे छोटे लघु उद्योगों की अगर बात की जाए तो वो पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो कांगड़ा का पुराना नाम नगरकोट त्रिगर्त किसने बनाया था, राजा सुशर्मा ने।
एट विच प्लेस ऑफ एच पी द फर्स्ट रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश्ड, सबसे पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पे बना था? शिमला में बिग एफएम, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश मार्क्स बाउंड्री विद हरियाणा, हरियाणा के साथ कौन सी ऐसी हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बाउंड्री बनाती हैं? वो है सिरमौर और सोलन। कौन सी है? सिरमौर और सोलन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, रिवालसर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? रिवालसर झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी? मंडी। अगर हम रिवालसर की बात करें तो इससे बहुत बड़े क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कौन से ऋषि पे है ये? पद्म संभव। कितने टेंपल्स हैं इसमें? बुद्धिस्ट टेंपल्स भी हैं, हिंदूज भी आते हैं और सिख भी आते हैं, ठीक है। हिंदू कौन कौन से टेंपल्स हैं? हिंदू, बुद्ध, बुद्धिस्ट के और सिख के। लोमाश ऋषि ने भी यहाँ पे तपस्या की थी। तो रिवालसर झील जो है इसको हम लेक ऑफ सेवन फ्लोटिंग आइलैंड्स भी बोलते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड्स। ये भी याद रखना कि जो लेक ऑफ सेवन फ्लोटिंग आइलैंड्स है वो किस झील को बोला जाता है? रिवालसर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया जाता है? तो मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो खजियार को बोला जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? चंबा। किसने दिया था इसको नाम? विल्से टी ब्लेजर। कब? 7 जुलाई 1992। ये एक स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी है उनके वाइस चांसलर थे जिन्होंने खजियार को मिनी स्विस का नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया? इंडिया की जो सुप्रीम फोर्सेज हैं यानी आपके डिफेंस फोर्सेज कौन कौन सी है? एयर, आर्मी, नेवल, तीन है। उनके सुप्रीम कमांडर कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो वो कौन है आपके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद। एक और चीज अब हम देखते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी कौन है? तो चीफ ऑफ आर्मी जो है वो कौन है हमारे? मुकुंडे, मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज, मिस्टर मनोज मुकुंद नरवाने। ये क्वेश्चन बन गया एक। दूसरा है एयर का, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो वो कौन है आपके? आर के एस भदौरिया। दूसरा नेवल, तो नेवल के कौन है? मिस्टर करमबीर सिंह, करमबीर सिंह। ठीक है, अब अगर आज की बात करें तो हमारे जो CDS बने हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ के जो मेन चीफ बने हैं, वो अभी कौन बने हैं? मिस्टर बिपिन रावत, फर्स्ट चीफ। ठीक है, कांशीराम को पहाड़ी गांधी किसने बोला था? तो अभी हमने ये रिपीट कर लिया क्वेश्चन, ये थे जवाहरलाल नेहरू। देखो एक पेपर में दो बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में पूछा गया है। अब आपका स्टेट फ्लावर ऑफ HP मतलब हिमाचल प्रदेश का राष्ट्र बोलते हैं राज्य फूल कौन सा है? तो राज्य फूल है पिंक रोडोडेंड्रॉन। अगर इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल, तो वो कौन है आपके? स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, स्टेट एनिमल पूछा जा सकता है, स्टेट फ्लावर पूछा जा सकता है, और एक स्टेट बर्ड भी है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ट्रिगोपिन, ट्रिगोपिन। ठीक है,
तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस, जिसमें 26 क्वेश्चंस थे जो आज आपसे सॉल्व पेपर से पूछे गए हैं। आई होप कि आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। अब आपके जो थे कल जो क्वेश्चंस पूछे थे उनको डील करते हैं। और स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन था मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग 2019 इन इंडिया, कि जो आपका 2019 में सबसे तीन मेजर इवेंट्स बताने आपने कि कौन से थे। हाँ मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग 2019 इन इंडिया। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। लास्ट के पांच क्वेश्चंस हैं, जितना हो सकता है आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सकता है तो जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए। सिर्फ पांच क्वेश्चंस हैं तो आपकी क्लास भी जल्दी खत्म हो जाएगी। मेजर इवेंट्स जो थे, सबसे पहला इवेंट देखते हैं किसने कौन बता रहा है। यस, सबसे पहला तो है तीन तलाक, तीन तलाक बिल, जो ये बेसिकली किसका था, मुस्लिम्स का था। इसको इलीगल कर दिया। अब जो है ये जो मुस्लिम्स हैं, ये किसी को भी तीन बार तलाक तलाक बोलने से उस इंसान को तलाक नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको फाइन देना पड़ेगा। तो सबसे पहली मेजर चीज़ जो आजकल ये सबसे इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स था मुस्लिम वुमेंस के लिए, तो वो ख़त्म हो गया। सेकेंड, आर्टिकल 370 सबसे बड़ा इवेंट, 370 धारा का खत्म होना। अगर 370 धारा खत्म हुई है तो उससे दो चीजें हुई है। जम्मू कश्मीर जो है था आपका भारत का पार्ट, लेकिन इसके रूल सबसे अलग थे। पूरे देश को मिलाकर इसके रूल सबसे अलग थे, लेकिन आज ये 370 धारा खत्म हुई है। जम्मू कश्मीर को अब क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी। इसके साथ एक और बनी है लद्दाख। तो ये आर्टिकल 370 धारा, जो बहुत बड़ा एक इवेंट था, एक वो था, ये ख़त्म कर दी गई। और जम्मू एंड कश्मीर को क्या दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी। तो आपसे ये क्वेश्चंस जरूर बनेंगे कि आपका कौन कौन से ऐसे दो स्टेट्स हैं जो यूनियन टेरिटरी बने। तो एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, ठीक है। एक और थर्ड, बाबरी मस्जिद, यानी आपका अयोध्या मसला। सीधी सी चीज़ है, अयोध्या वाला क्या था ये। अब इसमें क्या कह दिया गया है कि जो अयोध्या, वहाँ पे अयोध्या ही वही बनेगी, राम मंदिर ही बनेगा, और जो वहाँ पे ये मुस्लिम्स के लिए मॉस्क बनेगी, सिर्फ कितनी लैंड पे, 5 एकड़ लैंड जो है वो दे दी गई है, जहाँ पे वो मुस्लिम्स जो है मॉस्क बना सकते हैं। अब इस चीज़ के लिए जो जज थे, रंजन गोगाई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और जो अब एस.ए. बॉबडे हैं, इन्होंने मेजर रोल किया है। तो जो अगर देखा जाए तो रंजन गोगाई का सबसे ट्रांजिशन और सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट बिफोर रिटायरमेंट क्या थी, बाबरी मस्जिद। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने बिफोर रिटायरमेंट ये बहुत बड़ा मसला जो है सॉल्व किया है। कौन सा वाला, बाबरी मस्जिद, और आपका कौन है वो, रंजन गोगोई, और जो अब बने हैं वो हैं एस.ए. बॉबडे। तो तीन मेजर इवेंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे। और भी इवेंट्स हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजोल्यूशंस हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन ये जो तीन बिल्स हैं, और अब जो आया है एक और बिल, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये जो तीन है, तीन चार इवेंट्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखना। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, कई पहले क्या था, हिक्किम, ठीक है, पहले क्या था, हिक्किम, कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। लेकिन आज की आज जो है वो चेंज हो गया है, वो है ताशी गैंग। कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। रेशियो क्या थी, सिर्फ 46 वोटर्स थे, आई थिंक 46 वोटर्स, मैं एक मिनट चेक कर लूँ, 48 वोटर्स थे, जिसमें रेशियो क्या थी आपकी, 36 मेन 18 वुमेन, ठीक है।
यहाँ पे अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है पोलिंग स्टेशन बना है, इसीलिए ताशी गैंग जो है हिक्किम से अब ऊंचाई पे कौन सा आ गया, ताशी गैंग। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये जो मेजर इवेंट्स हुए हैं ना आपके, तीन तलाक, आर्टिकल 370 और बाबरी मस्जिद, इससे हो सकता है आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएं। वर्डिक्ट किसने दिया था, आर्टिकल 370 किसने बिल पास किया था, कितनी कब हुआ था, तीन तलाक किसके लिए, क्योंकि ये इवेंट्स एलाइड के पेपर में आने के बहुत बड़े चांसेस है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं आप भी कीजिए, हम कहीं ना कहीं आपको इनके अपडेट्स जो हैं वो देते रहेंगे, ठीक है, रिवाइज करवाते रहेंगे। मेगा फूड पार्क इन हिमाचल, मेगा फूड पार्क जो है वो कहाँ पे बना, ऊना में बना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है हमारी, हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये, हरसिमरत कौर बादल जिन्होंने इनेगोरेट किया है, कहाँ पे, ऊना में, और इसका नाम क्या है, क्रेमिका फूड पार्क, मेगा फूड पार्क। इट्स जस्ट टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ द फूड, ये मेगा फूड पार्क्स जो हैं खोले गए हैं, कहाँ पे, ऊना में। नेक्स्ट आता है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारी हिमाचल की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, संस्कृत, कौन सी है, संस्कृत। नेक्स्ट, सुदर्शना चक्र मैगजीन एडिटेड बाय विच रेवोल्यूशनरी, तो वो कौन सी है आपकी, संस्कृत। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस बचे हैं, संस्कृत, निधि मोहिल ने दिया है आंसर संस्कृत, सुदर्शन चक्र, अब इसका बताइए। तो सुदर्शन चक्र कई बुक्स में इंद्रपाल, ये थे रेवोल्यूशनरी जिसने जो है आपका सुदर्शन चक्र मैगजीन को एडिट किया है। अब आते हैं आपके ज्ञानपीठ अवार्ड, ये किसके लिए दिया जाता है, लिटरेचर के लिए, लिटरेचर के लिए, लिटररी ऑनर के लिए। तो इस टाइम जो दिया गया है वो है, किसको दिया गया है, मलयालम पोइट। अक्कीथम, इसका इनका नाम है अक्कीथम, 55th ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 इनको दिया गया है, और जो 54 थे वो कौन थे, अमृत घोष, अमृत घोष, अमिताव घोष। एंड एक और चीज जो सबसे पहला मिला हुआ है, फर्स्ट रेसिपिएंट जी एस कुरुप, फर्स्ट रेसिपिएंट जो है ज्ञानपीठ के, और कब मिला था ये, कब से शुरू हुआ है, 1961। तो ये चीज़ें याद रख लेना, पहले रेसिपिएंट कौन थे, कई बार आपसे यही पूछ लेंगे कि फर्स्ट रेसिपिएंट टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर लिटरेचर, इट ही वॉज जी एस कुरुप, कब दिया था, कब से शुरू हुआ है, 1961। 55th किसको दिया गया है, वो दिया गया है आपके अक्कीथम, मलयालम पोइट थे, 54 दिया गया है अमृताव घोष को। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक थे आपके क्वेश्चंस, आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, पर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देखना है, जो अभी रीसेंट इवेंट्स हुए हैं, जो मेन आपका CAB बिल, NRC, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन पे लिखना कि आपको इससे रिलेटेड कोई मैटर चाहिए, तो हम वो मैटर जो है आपके आगे जरूर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, जो भी फीडबैक्स हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी मकर संक्रांति।